ड्यूटी ज्वाइन करते ही बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी एक्शन मोड में आ गए हैं। डीजीपी आरएस भट्टी ने सभी पुलिस अधिकारियों से अपराध रोकने का सिंपल फॉर्मूला देते हुए कहा कि अपराधियों को दौड़ाओ, अगर आप अपराधी को नहीं दौड़ाएंगे तो वह आपको दौड़ाएगा। उन्होंने कहा कि चुन लो दोनों में से क्या करना है। 1990 बैच के कड़क आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी के लिए बिहार कोई नई जगह नहीं है, वह अपने पुराने कार्य क्षेत्र में लौट रहे हैं, लेकिन इस बार चुनौतियां बिल्कुल नई है। शुरुआती दौर से चर्चित रहे आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी, आईपीएस के रूप में कैरियर की शुरुआत भट्टी ने बिहार के ही नौगछिया से की थी। नौगछिया में प्रोबेशन परीक्षण अवधि के दौरान ही भट्टी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में चर्चित हो गए। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान मुजफ्फरपुर में उनकी थर्ड डिग्री की चर्चा रहती थी। फिर एएसपी बाढ़ के रूप में भट्टी राजधानी तक चर्चा में तब आए जब उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह के विधायक भाई दिलीप सिंह को सदन के सत्र के दौरान ही पटना स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। एसपी के रूप में भट्टी की पहली पोस्टिंग मधुबनी में तब हुई थी जब वहां नरसंहार के बाद सवर्ण जातियां उबल रही थी। वहां की स्थिति संभालने के बाद पटना में सिटी एसपी के रूप में पदस्थापित किए गए आरएस भट्टी ने एक के बाद एक कई चर्चित केस और टाइमलाइन देकर खुलासा किया। भट्टी अपनी पदस्थापना के साथ ही उस जिले के टॉप 10 क्रिमिनल को कंट्रोल करने का टास्क रखने के लिए चर्चित थे, लेकिन अब वक्त के साथ परिस्थितियां भी काफी हद तक बदल चुकी है। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि डीजीपी आरएस भट्टी के लिए कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती उनके लिए होगी कि भट्टी जिस दौर में बिहार में चर्चित रहते थे उस समय से वर्तमान हालत में बहुत अंतर है। यह अंतर भट्टी के लिए चैलेंज होगा। पहले कुख्यात अपराधियों का जमाना था, लेकिन अब नए लड़कों का गिरोह बड़ी लूट, बैंक डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा पहले जैसी हत्याओं का ट्रेंड भी नहीं है। अब एक दो लोग छोटे कारणों से बाइक पर निकल हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के पुराने सिस्टम में मुखबिरों की अहम भूमिका रहती थी, लेकिन कुछ वर्षों में पुलिस की पूरी निर्भरता सीसीटीवी पर है। जहां सीसीटीवी फुटेज मिले पुलिस सफल होती, और ज्यादातर केस में नहीं मिलने के कारण उद्भेदन तभी होता है जब कांड का कारण किसी तरह सामने आ जाए। ऐसे में बिहार के डीजीपी के रूप में भट्टी को अपराधियों के ताजा ट्रेंड के हिसाब से नए रूप में उतरना होगा। दूसरी चुनौती उनके लिए होगी कि नए डीजीपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। भट्टी के लिए यह अलग तरह का चैलेंज इसलिए भी होगा क्योंकि अबकारी में के पाठक जैसे कड़क आईपीएस अधिकारी को लगाने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी को सफल नहीं बना सके। 4 दिनों के अंदर करीब 7 दर्जन लोगों की जहरीली शराब से मौत पर राज्य सरकार घिरी हुई भी है और लाचार भी दिख रही है। पुलिस थाने में भी स्प्रिट चोरी होकर जहरीली शराब बनाने की बात भी फिजा में है, और जहरीली शराब के मृतकों के परिजनों पर ठंड से मौत बिताने का पुलिसिया दबाव भी खबरों में है। राज्य सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ड्रोन तक से निगरानी करवा रही है, फिर भी जहरीली शराब से मौतों के सिलसिले के बीच शराब से नई जगहों पर भी मौत की खबरें आ रही है। ऐसे में पुलिस की छवि सुधारते हुए शराब पर पूरी तरह से रोक का टास्क भी नए डीजीपी के लिए छोटा नहीं है। और आखिरी और तीसरी चुनौती की बात करें तो पूर्व डीजीपी इसके सिंगल पे सबसे दूर रहने का आरोप लगता रहा था, और इसके अलावा वह पिछले दिनों चर्चा में तब आए थे जब बिजनेसमैन ने फर्जी जज के रूप में बार बार कॉल कर उनसे अपने आईपीएस मित्र का फेवर करा लिया था। जिस आईपीएस का पिछले डीजीपी ने फेवर किया वह अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। किसी डीजीपी से कोई फर्जी जज बनकर काम करा ले या शायद ही कहीं और हुआ हो। सिंगल के जाने के बाद भी बिहार पुलिस मुख्यालय पर लगा यह दाग शायद ही हट सके। इस दाग को धूमिल करना भी भट्टी के लिए जरूरी होगा। सीनियर आईपीएस अधिकारियों का कहना है इस दाग को धूमिल करते हुए आम लोगों के बीच रहना और कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ाना आरएस भट्टी के लिए अलग तरह का चैलेंज होगा।